हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 17 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। तो 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की शानदार वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका किस भाग में। देखिए दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका है वो भाग 5 में, ठीक है दोस्तों। तो भाग 5 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था। देखिए दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 308, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करते हैं पंडित राम नारायण की, तो ये सारंगी वादक थे। तो सारंगी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चोगई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो चोगई नृत्य है ये भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इतिहास में समाहर्ता किसे कहा जाता है। तो इतिहास में जो समाहर्ता है वो राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। तो राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी। देखिए दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट सिराजुद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम के संयुक्त सेना के बीच में ये क्या है लड़ा गया था, ठीक है। तो 1764 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यामिनी कृष्ण मूर्ति को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए हैं। देखिए दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, 1968 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना यामिनी कृष्ण मूर्ति ने ही की थी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन कवर करते हैं कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, या फिर ये क्वेश्चन रहा होगा। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। तो C3H8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन के लिए होता है CnH2n, एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है। तो कटहल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो बांग्ला है, राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो कौन सी है, तो ये आपके टका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बुनियादी और भारी विकास पर विशेष बल देना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि पर इसमें विशेष बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों पे विशेष बल दिया गया था, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चनों को जरूर कवर कीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में ये रिपीट
हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं। तो सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक है वो अमेरिका के द्वारा जीते गए हैं, टोटल 39, ठीक है। और टोटल जो अमेरिका ने पदक जीते थे वो 113 जीते थे, जिसमें 39 जो थे वो आपके स्वर्ण पदक थे। दूसरे स्थान पे चीन रहा था, जिसने 38 गोल्ड जीते थे, टोटल 88 इसमें पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को टोटल 7 पदक मिले थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। इसके अलावा जो आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन होगा 2024 में वो आपके पेरिस में होगा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2022 में AFC वुमेन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था। तो ये आपके नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यह आपके महाराष्ट्र के 3 शहर में कराए गए थे, मुंबई, नई मुंबई और पुणे में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया PM डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो PM डिवाइन का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। तो इसका जो आपके राज्य से संबंध पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य में समहारता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये कलेक्टर जनरल के लिए किया जाता है, रेवेन्यू कलेक्टर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर जनरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग है भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस देश ने सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम होस्ट किया है। तो ये थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसने किया। कब कब? 1966 में, 1970, 78 और 1998 में। इसके अलावा पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने साल 1951 में नई दिल्ली में की थी। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूनियन की पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आर्टिकल 73 में है, 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 81 में क्या है, लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की ताहिलिया मैग्रा को ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य से एक प्रश्न आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एम बुक्का ने 1336 में किए थे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश सुलु, संगम और अरविदु हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो में आने देखते हैं, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।